तो गाइस ये है टेक्नो पोवा 4, ये हॉट 25G, दोनों ही फोन 12,000 का है एंड लोगों को कंफ्यूजन है कि कौन सा फोन लिया जाए, क्योंकि दोनों ही फोन के स्पेक्स देखने पर कभी ये फोन लोगों को भा रहा है, कभी ये फोन लोगों को भा रहा है, कभी इस फोन का 5G लोगों को भा रहा है, कभी इस फोन का स्टीरियो स्पीकर एंड 6000mAh की बैटरी भा रही है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो में इन दोनों फोन का कंपैरिजन करने वाला हूं। एंड गाइस इन दोनों फोन में से बेस्ट कौन सा है इसको जानने के लिए मैं इन दोनों फोन को पॉइंट्स दूंगा। इस फोन का अगर कैमरा अच्छा है तो इसको एक पॉइंट, इस फोन का परफॉर्मेंस अच्छा है तो इसको एक पॉइंट, एट लास्ट जिस फोन का ज्यादा पॉइंट होगा वो फोन विनर हो जाएगा। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट कंपेयर करते हैं तो दोनों ही फोन में 18W का चार्जर, टाइप सी केबल, इजेक्टर पिन, बैक केस मिलता है। दोनों ही फोन का बॉक्स कंटेंट सेम होने की वजह से दोनों ही फोन को एक एक पॉइंट मिलते हैं। नाउ इन एन एक्सपीरियंस और लुक की कंपैरिजन करें तो अगर आप इन दोनों फोन को देखें तो मेजोरिटी लोगों को हॉट 20 ही का ही लुक पसंद आएगा, क्योंकि अगर आप अपने पापा को फोन देंगे, अपने दादाजी को फोन देंगे तो उन लोगों को हॉट 20 का ही लुक पसंद आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सूदिंग लुक देता है। वहीं पोवा 4 का जो लुक है ना वो गेमिंग टाइप का है, तो मेजोरिटी लोग इसी पर जाएंगे हॉट 20 वाले पे। एंड वहीं इन एक्सपीरियंस की बात करें तो डिस्प्ले का साइज पोवा 4 का थोड़ा सा बड़ा है 6.8 इंचेस का, वहीं हॉट 20 का 6.6 इंचेस का, तो डिस्प्ले स्क्रॉलिंग में थोड़ा सा आसान बनता है हॉट 20 में ही। एंड वहीं वेट की बात करें तो आपको वेट पोवा 4 का भारी मिलता है, पोवा 4 213 ग्राम का है, वहीं आपको हॉट 20 204 ग्राम का ही मिलता है। तो इन हैंड एक्सपीरियंस के मामले में भी हॉट 20 को ही मैं प्रिफर करूंगा, तो लुक और इन हैंड एक्सपीरियंस में मैं एक पॉइंट हॉट 20 को ही दूंगा। नाउ गाइस डिस्प्ले कंपैरिजन करने से पहले थोड़ा सा बॉडी का कंपैरिजन कर देता हूं। दोनों फोन के राइट साइड में पावर बटन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में मिलता है, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स अप एंड डाउन, फोन के ऊपर आपको कुछ नहीं मिलता है। फोन के लेफ्ट साइड में दोनों ही फोन में आपको सिम ट्रे मिलेगा जिसमें आप दो सिम के साथ एक माइक्रो सिम कार्ड लगा पाएंगे। उनमें नीचे की तरफ ऑक्स जैक, उसके बगल में माइक्रोफोन, उसके बगल में चार्जिंग पोर्ट, उसके बगल में स्पीकर ग्रिल्स मिल जाते हैं। फोन के फ्रंट में ऊपर की तरफ दोनों ही फोन में आपको स्पीकर मिलता है। दोनों फोन के कैमरे में आपको बंप देखने को मिल जाएगा, पोवा 4 में बस कैमरा बंप है। नाउ गाइस जब डिस्प्ले पे आ जाता है तो दोनों ही फोन का डिस्प्ले टाइप सेम है, मगर ब्राइटनेस लेवल थोड़ा सा हॉट 20 का ज्यादा है। मे बी वीडियो में आपको कंपैरिजन ना पता चल रहा हो, लेकिन नॉर्मल आई से जब मैं देख रहा हूं तो मुझे ब्राइटनेस ज्यादा दिख रहा है हॉट 20 का। वहीं डिस्प्ले ब्राइट होने की वजह से पिक्चर क्वालिटी में भी थोड़ा सा ब्राइटनेस अच्छा दिखता है हॉट 20 में। वहीं हॉट 20 में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, पोवा 4 में सिर्फ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो इन सारे कंपैरिजन को देखते हुए डिस्प्ले का पॉइंट मैं हॉट 20 को ही देना चाहूंगा। नाउ गाइस स्पीकर कंपेयर करें तो हॉट 20 में आपको सिंगल स्पीकर दिया जाता है, पोवा 4 में ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट दिया जाता है। मीडिया साउंड सुनने पर पोवा 4 में थोड़ी सी वॉइस एक्स्ट्रा लाउड सुनाई देती है एंड क्लियर और इफेक्टिव सुनाई देती है। वही सिंगल स्पीकर होने की वजह से हॉट 20 में थोड़ा सा लाउडनेस स्लो है, आप सुनकर जज भी कर सकते हैं। जो स्पीकर का पॉइंट है वो मैं पोवा 4 को दूंगा, तो यहाँ पे कंपटीशन पोवा 4 भी अपना बढ़ा चुका है, देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ गाइस बैटरी पे आते हैं तो पोवा 4 में आपको 6000mAh की बैटरी मिलती है, वहीं हॉट 20 में आपको सिर्फ 5000mAh की बैटरी मिलती है। तो चार्ज करने पे पोवा 4 थोड़ा सा धीरे चार्ज होगा मगर चलेगा थोड़ा ज्यादा तक, वहीं ये जल्दी चार्ज होगा हॉट 20 मगर चलेगा थोड़ा कम देर तक। तो बैटरी का जो पॉइंट है वो मैं पोवा 4 को ही दूंगा। एंड गाइस इन दोनों फोन का मैंने अलग अलग वीडियो डाला हुआ है चैनल पे ऑलरेडी, तो वहां पे आप इन दोनों फोन का इन डेप्थ रिव्यू जान पाएंगे। नाउ गाइस अब करेंगे इन दोनों फोन का परफॉर्मेंस कंपैरिजन। तो गाइस हॉट 20 में आपको डायमेंसिटी 810 का प्रोसेसर मिलेगा, वहीं आपको पोवा 4 में हीलियो G99 का प्रोसेसर मिलेगा। दोनों ही 6 नैनोमीटर के प्रोसेसर हैं। सबसे पहले मैं एंटीटू स्कोर कंपैरिजन करूं तो आपको हीलियो G99 में 381 के का एंटीटू स्कोर मिलेगा, वहीं आपको डायमेंसिटी 810 में 394 के का एंटीटू स्कोर मिलेगा। वहीं डायमेंसिटी 810 में मतलब कि हॉट 20 5G में सीपीयू स्पीड भी ज्यादा मिलती है। पर दोस्तों एंटीटू स्कोर हॉट 20 का ज्यादा होते हुए भी पोवा 4 में ऐप जो है वो जल्दी खुल रहा था। आप देख सकते हैं हॉट 20 थोड़ा सा स्लो है, ह्यूज ऑफ सेकंड स्लो है, बस कुछ कुछ एप्स में हॉट 20 सेम परफॉर्म कर रहा था पोवा 4 की तरह। अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों है, क्योंकि दोस्तों पोवा 4 में आपको 8GB के साथ 128GB का इंटरनल मिलता है, वहीं आपको हॉट 20 में 4GB रैम के साथ 64GB का इंटरनल सिर्फ दिया गया है। एंड वहीं पे एक्सटेंडेबल रैम मतलब कि सॉफ्टवेयर यानी वर्चुअल रैम जो पोवा 4 का है वो 5GB तक आप एक्सटेंड कर पाएंगे, वहीं हॉट 20 में सिर्फ 3GB तक। तो स्टोरेज भी मैटर करता है। वहीं अगर मैं पोवा 4 का स्टोरेज फुल कर दूं तो भी सेम परफॉर्म करने लगेगा हॉट 20 की ही तरह। मगर 12,000 का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो मैं इस फोन का स्टोरेज बढ़ाकर कंपैरिजन नहीं करूंगा। मगर दोस्तों गेमिंग की बात करें तो आपको हॉट 20 5G में ही गेमिंग अच्छी मिलेगी, क्योंकि इस फोन का प्रोसेसर अच्छा है, एंटीटू स्कोर ज्यादा है एंड मैंने टेस्ट करके भी देखा था। तो स्टोरेज का इफेक्ट पड़ता है, मगर स्टोरेज की वजह से मैं ये थोड़ा कह दूंगा कि इस फोन का ही प्रोसेसर अच्छा हो गया। प्रोसेसर इस फोन का ही अच्छा है,
मगर अगर 12,000 में मैं कंपैरिजन करूं तो परफॉर्मेंस आपको इसमें मिल रहा है क्योंकि इस फोन में स्टोरेज ज्यादा है। तो परफॉर्मेंस का जो पॉइंट है वो मैं पोवा 4 को दूंगा, गेमिंग का जो पॉइंट है वो मैं हॉट 25G को ही दूंगा। नाउ गाइस चलते हैं कैमरे कंपैरिजन की ओर। तो पहले मैंने कैमरे मोड्स को चेक किया तो हॉट 20 में मुझे एक कैमरा मोड्स कम मिला, प्रो मोड, वहीं अब पोवा 4 में दिया गया है। एंड पोवा 4 में वीडियो रिकॉर्डिंग में 1080p पे आप स्टेबलाइजेशन मोड ऑन कर सकते हैं, वहीं हॉट 20 में ये फीचर नहीं दिया गया है। तो कैमरे मोड्स में पोवा 4 आगे है, मगर कैमरे का कंपैरिजन कैमरे मोड से नहीं, कैमरे शॉट से होता है। तो गाइस ये जो दोनों शॉट्स देख रहे हैं, इन दोनों में से आपको हॉट 20 का फोटो अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि सैचुरेशन इसका काफी अच्छा है, वहीं आपको पोवा 4 का सैचुरेशन थोड़ा सा डल देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी तक जितना आपने फोटो देखा वो नेचर की थी, अब जो आप फोटो देख रहे हैं वो पर्सन की है। तो अभी भी इसमें हॉट 20 का सैचुरेशन ज्यादा है, इसी वजह से चेहरा लाल देखने को मिलेगा, पोवा 4 से नॉर्मल सैचुरेशन मिलता है। फ्रंट कैमरे में भी वही चीज देखने को मिलेगा, हॉट 20 में थोड़ा सा सैचुरेशन ज्यादा होने की वजह से चेहरा लाल हो जाता है। एंड डिटेलिंग्स दोनों फोन की फ्रंट कैमरे से सेम है। एंड 50 मेगापिक्सल का मोड भी दिया गया है जिसमें बस डिटेलिंग्स ज्यादा हो जाती है, सैचुरेशन का वही सेम किस्सा है। बट वही नेचर की फोटोज देखने पे आपको हॉट 20 का जो है सैचुरेशन अच्छा देखने को मिल रहा था, डिटेलिंग्स भी हॉट 20 से काफी क्रिस्पी देखने को मिल रही थी। ऐसा नहीं दोस्तों कि चेहरा लाल कर दे रहा है, कैमरा खराब है। अगर आप कंपैरिजन ना करें, नॉर्मल बस हॉट 20 का फोटो देखें तो वो अच्छा ही देखने को में लगेगा आपको। एंड डिटेलिंग्स भी काफी अच्छी मिलती है हॉट 20 की। एंड वहीं अगर मैं पोर्ट्रेट शॉट को कंपैरिजन करूं तो पोर्ट्रेट का जो डेप्थ है नियरली सेम मुझे देखने को मिला, बस वही सैचुरेशन काफी अच्छा कर देता है हॉट 20 में। तो जो कैमरे का पॉइंट है वो मैं हॉट 20 को ही दूंगा दोस्तों। नाउ गाइस वीडियो रिकॉर्डिंग कंपैरिजन भी कर लेते हैं। तो गाइस ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग सैंपल आप दोनों ही फोन का देख रहे हैं उसमें हॉट 20 का जो सैचुरेशन है वो अच्छा मिल रहा है, बट दोस्तों पोवा 4 में स्टेबलाइजेशन मोड दिया गया 1080p पे। अब जो आप सैंपल देख रहे हैं वो 1080p पे दोनों ही फोन का है, मगर पोवा 4 में स्टेबलाइजेशन मोड दिया गया तो इसलिए मैंने 1080 पर स्टेबलाइजेशन मोड ऑन करके रिकॉर्डिंग की है। तो आप देख सकते हैं कितना स्टेबलाइज्ड वीडियो आपको देखने को मिलेगा पोवा 4 का। एंड वहीं दोस्तों फोकस इशू मैंने देखा हॉट 20 में, आप देख सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग सैंपल में टैप करते पर भी फोकस नहीं होता, वहीं पोवा 4 में काफी इजिली ऑटो फोकस से ही फोकस हो जाता है, टैप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो गाइस वीडियो रिकॉर्डिंग का जो पॉइंट है वो मैं पोवा 4 को दूंगा क्योंकि इस फोन में 1080 पे स्टेबलाइजेशन मोड भी अच्छे से है, प्रो मोड भी इस फोन में दिया गया है एंड ऑटो फोकस की इशू भी नहीं आती है। एंड गाइस मैंने इन दोनों फोन का सिक्योरिटी स्पीड भी कंपेयर किया, दोनों ही फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक नियरली सेम ही वर्क करते हैं, तो दोनों में सेम पॉइंट्स मैं दूंगा। नाउ गाइस मैं कुछ अदर स्पेक्स को भी कंपेयर करना चाहता हूं, जैसे कि पोवा 4 में NFC है वहीं हॉट 20 में नहीं है, पोवा 4 एक्सपेंडेबल है टू 2GB तक, वहीं ये फोन हॉट 20 एक्सपेंडेबल है 1TB तक। वहीं पोवा 4 में आपको 8/28 का वेरिएंट मिलता है 12,000 में, वहीं हॉट 20 में आपको 4/28 का वेरिएंट मिलता है 12,000 में। तो इस बेसिस पर भी मैं पॉइंट देना चाहूंगा पोवा 4 को 1 पॉइंट। एंड गाइस इन दोनों फोन में सबसे बड़ा कंपैरिजन है 5G का, हॉट 20 में 5G दिया गया, वो भी सबसे ज्यादा 5G बैंड 12,000 के फोन में लगाया गया है 12 बैंड, वहीं पोवा 4 में 5G सपोर्ट नहीं करता है। तो इस बेसिस पे मैं हॉट 20 को 1 पॉइंट और देना चाहूंगा। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हैं दोनों ही फोन के जो पॉइंट्स है वो सेम हो चुके हैं, मगर आप घबराइए मत, अगर आप 1.5 साल तक फोन यूज करते हैं, 1 से 1.5 साल तक, तो आप पोवा 4 पे ही जाइए। अगर आप 2 से 3 साल तक फोन यूज करते हैं तो आप हॉट 20 5G पर जाइए, क्योंकि 5G जो है वो नियरली आ चुका है, आपके पास अच्छे से आने में 1 साल लग ही जाएगा। बट ये नहीं कि 1-1.5 साल के हिसाब से आप फोन लीजिए, मैं अपनी राय दे रहा हूं, मैंने कंपैरिजन किया है। अगर आपको गेमिंग चाहिए तो आप तुरंत ही इस फोन पर जाइए, अगर आपको बैटरी चाहिए, अच्छी स्पीकर की नीड है तो आप इस फोन पर जाइए। कंपैरिजन वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है, कंपैरिजन आप अपने हिसाब से देखिएगा, आपको फोन में क्या चाहिए उस हिसाब से इन दोनों फोन में से आप लीजिएगा। तो जैसे और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलेगा, कोई भी सुझाव चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।